साहब, भविष्य में दुर्घटना किसी के साथ नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार प्रयास करेगी और ध्यान रखेगी, कोई कानून बनाने की बात हो तो कानून बनाएंगे। इस प्रकार के जो हीनियस क्राइम करते हैं उनके लिए और क्या प्रोविजन हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। इसको मैं एग्जामिन करूंगा, इसको बहुत बड़ी घटना थी, ये बच गया। सुखद बात एक ही रही है, इतनी घटना होने के बाद में ये आदमी की जान बच गई, ये सुकून की बात है। बरसात ये दुआएं हैं पूरे प्रदेशवासियों की, भगवान की कृपा है, आप सबका साथ है, वो बच गया बस। बीजेपी की निंदा कर, बीजेपी ने तो एक काला अध्याय लिख दिया राजस्थान की राजनीति के अंदर। बीजेपी ने एक काला अध्याय लिख दिया है इस घटना को लेकर के, जो आलोचना की गई थी और उसी व्यक्ति को आपने पार्टी ज्वाइन करवा के गले लगाया, लड्डू लड्डू खाए, सब कुछ किया। हमारे शेखावा साहब भी थे जिसने ये काम किया है, और उस व्यक्ति को आपने टिकट भी दे दिया पार्टी का। तो आप सोच सकते हो सरकार बनाने के प्रयास में किस स्तर से घिर सकती है बीजेपी, उसका एक नमूना कोई है तो ये नमूना है हर्षाधिपति के, जो जिसने क्राइम किया उसको, जो पार्टी हमारी पार्टी में था। हमें तो फिर भी छोड़ना पड़ता है कि भाई हमारी पार्टी का एमएलए है, गलती कर दी है, कानून अपना काम करेगा। हम सोच सकते थे, परंतु हमारी हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया, किसी कीमत पर इसको टिकट नहीं मिलेगा।